फिर से धमाकेदार स्वागत बा। इसे धमाकेदार स्वागत बा रानी। हाँ हो रस बीर रस गावे खातिर आइल बाड़ी उषा। ए उषा तैयार अब बस हाथ जोड़े लगलू तैयार बाड़ू ना तो हो जा शुरू। चला हा चला हा ना तो पड़ी गुस्सा। अच्छा बाबूजी देखी जा हम गायिका उषा मंगेशकर जिला सोनभद्र से चल के आप सब भैया लोगन के बीच में आई हैं। आप सबके पलगी बा कुर्सी पर बैठल हमरे गुरुजी आप लोग जज के तौर में देखल जाते जा आप लोगन के चरण में पूरे पार्टी से पलगी बा। आज के मुख्य अतिथि मेहमान के रूप में परम पूजनीय आप काशीनाथ एमएलसी साहब के चरण में पूरे पार्टी से नमन। आप लोगन के बीच में एगो विरह भी रस कह कुछ गलती हुई तो के बदे आप लोग माफ करी जा। मास्टर छोड़ दे क्या बा पहुंचल हुए
आ जब बीच जंगल में पहुंचल तब राजा के खखार आई आ खखार जब आये तो खखार के थूक दिलन आ जब थूकलन तो नीचवा वही जंगल में गालव मुनि जी तपस्या करतलन हजूरी में जल ले के भगवान कन्हैया के चढ़ावे जात हुआ तब तक कुछ छिटका जाये कि वही हथवा पर पड़ गई आ जब हाथ में पड़ल तो देखा तो राजा रानी के लेके मौज मस्ती करत जात हुआ वही समय श्राप दिलन ए राजा जा जैसे हमारा भक्ति के भंग कैला वैसे आज के अठवे दिन मारल जइबा इतना कह के बाबू भजन भाव करत भगवान कन्हैया के यहाँ गलम मुनि जी पहुँच गेलन आज मुनि जी के देखलन भगवान सुरहो कला के मालिक वही समय कलन मुनिवर आप कैसे सारी बात बतौलन कलन राजा चित्रसेन हमारे संगे बड़ा भारी गलती कैलन ये सुन के श्राप दे के लिए प्रभु हमारी जुबान खाली न जाए इतनी बतिया कहत बाबू चल अला नी खबर धीरे धीरे राजा चित्रसेन के कैसो मालूम हो गई आ जब मालूम हो गई पंचो तो वही जंगलवा में बौखलाई बौखलाई घूमे लगलन कोई बचाए वाला है नहीं खे तब तक नारद मुनि से भेंट हो गई सारी बात हाथ जोड़ के बतौलन तब नारद मुनि कलन ए राजा तो हाँ हमा कोई बचा वाला है नहीं खे तू सीधे निकल जा हस्तिनापुर में इतनी बात जब सुनल तो देखे होत कहा विराम तर्ज लगे कौनो दुल्हे का दुल्हा बड़ा गजड़ी रहल मेहरारू समझावत था कि मान जाई हई दूध दही खइबा तो शरीर बनी दारू गाजा पीले से बर्बाद हो जइबा मरद मानत ना कहले है बाबूजी देखे हर राजा चित्रसेन बतिया मान के भागल चलल हुए हस्तिनापुर में कहनाम है वही समय एहर भेंट नकुल जी से हो गई सारी बात बतौलन राजा बतिया मान के नकुल जी अपने भैया लोगन के लगे ले गेलन ले जाए के जब खड़ा कैलन त हाथ जोड़ के कैलन हे पाँचो पांडवा हमके बचा ला लोग ना तो मारल जाई वही समय बतिया सुनता पाँचो पांडवा लाल हो गेलन अपन अपन अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो गेलन हे राजा के तो है मारे वाला हो गई बाबू जी बतौलन का बताओ थोन अरे कृष्ण भगवान मोर मार दी है जान हो अहे बाबू हमरो बचाई लो प्राण हो इतनी बात सुनलन पांचो पांडवा अपन अपन अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हुअन इतनी बतिया सुनते कन्हैया जी के तुरंत अपन अपन अस्त्र शस्त्र ले जाके धरे लगलन आ जब धरे लगलन कलन अरे यार उ तो हमार हित हुअन हमरे हितवा से लड़वावल चाहत हुआ जा राजा जा जा तुहार हमन मदद ना कर सकली जा हे बाबू इतनी बाज राजा सुनत और चेहरा पे उदासी छवले है कुल बतिया रानी सुभद्रा सुनत अली सुनत आय के ललकार दली पांचों पांडवा के टेरिक भाव लगी अरे फटकारी तब सुभद्रा शेरनी अरे फटकारी तब सुभद्रा शेरनी तक्कर में कमान कस के काढ़ा को ललकार भैया पाचो पांडवन के ललकार दली कली तू लोग मरद के नाम पर कलंक हुआ ठिकार हो तू लोगन का जिंदगी मजबूर इंसान अगर मदद मांगत था तो कर मदद करे के चाहिए ला अगर ना जइबा त हला साड़ी साया बेलाउज कुल पहिन के जाय के चुल्हानी में बैठा हम जब राजा चित्रसेन को मदद करे कुल पाचो पांडवा कलन मेहरारू के जात हो के ज्यादा पिड़पिड़ाबू लोगन के धिक्कारत ललकारत बाबू सुभद्रा जी चल दिलिन आ चल दलिन तब तक पहुंच गेली वो समर भूमि में कन्हैया जी के यहाँ जाय के कन्हैया के ललकारत थी बिरहान तर्ज बदल गई उहे गीत लगल कुंटा मिलल दौरावा मिलल पहुरावा मिलल
आरतिया से जरिया पर निदिया न आव मऊगावा मिलल रे भौजी तोके कुछ ना कहती सुदई गुरुजी हम बताइला तू ताली मारत रहला बीरा सुना बीरसी है समझला ना ताली मारत ला लेकिन डर हमें लगत रहल के ताली तुम्हार कोई कुछ जगह ना लग जा लेकिन बाबू देखे कहानी को और चलेंगे साथियों सुभद्रा जी जाए के समर भूमि में ललकारा थी अरे बोली सुभद्रा सुना अब कान्हा पैया कैला ये बीरवा अब तोहके पछाड़ब हम बीजे समर में लड़ैया कैला ये बीरवा पछाड़ब हम बीजे समर में लड़ैया कैला ये बीरवा जाय के कन्हैया जी के ललकार देली है कन्हैया तो मर्द हुआ आवा आवा या तो से हम लड़ब दे आइल हई ये तनी बा जब भगवान सुलंत कलन बा बा रे बहिन हम ही से लड़ब दे आइ गेल हउ ये तनी सोचत हुआ तब तक सुभद्रा बाबू गुस्सा में लाल हई घर कैली का अरे तरक सब बान सुभद्रा निसारी असन असन बनवा गगनवा में मारी बाण लगली चलावे अरे बाण चलावे लगली तब तक कन्हैया जी कलन अभी मनी है ना ई लड़ी है तुरंत बाबू बर्दाश्त ना भइल सोचत थुवन के लड़ाई तो कलम लेकिन कलाई में राखी के बानी ई सोचत थुवन बांधा मलन हमने सामने दोनों भाई बहन डट गेलन आ जब डट गेलन तब तक देखलन नारद मुनि कलम बड़ा भारी अनर्थ होए वाला है बीड़ा बजावत आ गेलन कलन प्रभु अपन ही में लड़बा लोग ए बाबू तब कलन भगवान के खे तो उपाय बताओ कि राजा चित्रसेन हमरे भक्तवन गालो मुनि हमरे श्राप हो कोनो उपाय बताओ कि राजा जिंदा बच जाए मुनि जी के श्राप कट जाए कहा प्रभु एक खे उपाय है कहे का कहे चित्रसेन नाम के खे बहेलिया है वही के लेके आई ये समर भूमि में जब मरबा उ मरी बहेलिया तब राजा चित्रसेन जिंदा बचे मुनि जी के श्राप कटी इहे उपाय केलन बाबू बहेलिया के लिए समर भूमि में खड़ा कर दिलन आ तब भगवान कन्हैया बाण चलाए दिलन अच्छा बाढ़ चल रहा तो बहेलिया रवे लग ले प्रभु कौन गलती के लिए जोन के अपने बाढ़ से आप मर रहे कर गम ना कि हम ही दुनिया छोड़ के जाती गम तो वो बात कह कि जोन बिना गलती के मरला मरला ठीक केला लेकिन हमके वचन दा वादा कर कि एक समय आवे कि हम बाढ़ से खुद मरी भगवान कला ने मस्त बाबू जी देखे बहेलिया मरल फिर दूसरे जन्म में बहेलिया के घरे जन्म लेलस कलस का खड़ी के भाव लगी खड़ी भाव जैसे हमके मरला वैसे तोहके मारब ये होरी बाबूजी मरल बहेलिया फिर दूसरा जन्म बहेलिया घर लेके धीरे धीरे जवान सयान भयल एक दिन शिकार खेले वही जंगल में चल गए लोग बतावलन प्रमाण बतावला वही जंगल में भगवान कन्हैया भी गई रहलन बाबूजी एक पेड़ के नीचे सूत के आराम करत हुआ जौने हिरन के बहेलिया पीछा कैले से कहीं जाए के छिप गई बहेलिया हिरन जब छिपल बा बहेलिया के का एक ध्यान बाबू कन्हैया जी के तलुआ पर पड़ल आ जब तलुआ पर पड़ल तो बहेलिया सोच गल के हिरन वही झारे तर छिप के अपन कान हिलावत देखे कैलन का अरे पेड़ नीचे हिरन जान आ देहले बाड़ मारी आ तलवा में लागल गईले स्वर्गवासी धारी बाबूजी बतावल जाला कि भगवान कन्हैया का प्राण वही तलुआ में रहल बहेलिया जब बाण चलरस तो भगवान को ही मृत्यु भइल ए से कल गेल कुल लीला तो वो नहीं कह आखिरी लाइन में खानदान का प्रचार गुरु दीन मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन की पानी कथन करे कवि हरि द्वार संग गंगा राम जी सलामी सुभद्रा शेरनी तौसा बाबू लाल से चाय बिरहा फुला धारी फटकारी तब सुभद्रा अरे वाह तई रहनी उषा मंगेशकर रउआ सबे आनंद लेत रही हम दोनों कलाकार लोग के बुला के मंच पर अपना जज साहब लोग के सामने पेश करब एकरा पहले लेवे के पड़ी एगो छोटी मुखी ब्रेक।
चैनल के वो कार्यक्रम में जेके हम आप पूरा दुनिया के लोग कहेला के बा सिपाही के बा चोर के करा में बा कितना जोर आपन माटी आपन बल रउआ सब देख रहल बानी बिरहा दंगल टू। लड़ाई अब और कठिन हो गइल बा, रउआ सब एकदम रंगा गइल बानी बिरहा के रंग में, बिरहा के रस में बहुत प्यार बहुत दुलार मिलता, लेकिन अब बर्दाश्त ना हुई। काहे कि अब हमनी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकल बानी जा, एक तरफ सुधाई राम यादव, दूसरे तरफ उषा मंगेशकर। अब हम ये दोनों कलाकार लोगन के जज साहब के अदालत में ले चलब, जनता जनार्दन के अदालत में ले चलब। सबसे पहले हम विद्रोही घराना के जज के कुर्सी पर विराजमान सुरेंद्र यादव जी से पूछल चाहत हई कि दोनों कलाकारन का गाना रुआ के कैसन लगल। सुदई राम यादव भी बढ़िया बिरहा गौलन, उषा मंगेशकर भी बिरहा गौली, कुछ कुछ कमी बा ओके सुधारे के लोग तैयारी करे लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तई हमारे विद्रोही घराना के जज के कुर्सी पर विराजमान श्री सुरेंद्र यादव जी अपन फैसला सुना दिए। अब बाकी घराने के सरदार से हम पूछल चाहत बानी परशुराम यादव जी, राउर का विचार बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा सुदई राम जी के भी, धन्यवाद बा उ लड़की उषा मंगेशकर के भी। अपना अपना फन में दोनों अपना अपना अंदाज में बहुत बढ़िया गौलन, बहुत बढ़िया गौलन, बहुत बढ़िया गौलन। बधाई के साथ धन्यवाद के साथ बस हम इतने कह चाहते हैं। जी हाँ, तो अब हम चल रहल बानी रउआ सबके मांग पर, बुलावल गइल बानन ये चौथा जज के कुर्सी पर विराजमान विधान परिषद के सदस्य और बिरहा के बड़े ही उच्च कोट के कलाकार के नहीं जानत श्री काशीनाथ मेलसी साहब। रउआ से हम निहोरा करतनी, बताई कि दोनों कलाकार लोग का गीत रउआ के कैसन लगल है। सुदई भाई बहुत अच्छा है आप गाए, लेकिन आपने शुरुआत में स्वर ना लिहला, भूमिका चार लाइन के होले तीन लाइन के कहला। गाना बहुत अच्छा गौल, हम कुल ख्याल करत रही हमी घड़ी से कोनो मतलब ना बा, बहुत अच्छा गौले बाड़ा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम दोनों कलाकारन से कहब कि छंदे सिंगार बा बिरहा का। धन्यवाद दोनों गायक कलाकारन के, हमारी तरफ से हम बिरहा के पक्ष लेवे खातिर जाइल बानी, तो बिरहा जहाँ नुकसान में पड़ी हम वो बात के कहला से हम हिचकब नाही। दोनों लोगन के गाना अच्छा रहल, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलत आनी निष्पक्ष न्यायकर्ता के कुर्सी के तरफ। प्यारे लाल कवि जी, रउआ बताई। बहुत अच्छा है, वीर रस का भाव नंबर है, तेवर शब्द तथा भाव तीनों चीज का ध्यान देवे के बाद दोनों कलाकार आप लोग बहुत अच्छा बोला। हमारी शुभकामना आप लोग के साथ। तई हमारे जज साहब लोगन का आशीर्वाद रूपी फैसला रहे। अब हम भगवान स्वरूप जनता जनार्दन के अदालत में चल रहा बनी, सामने स्क्रीन पर बहुत बढ़िया प्यार देत रही, दुलार देत रही, आशीर्वाद बरसावत रही। रउआ सबके आंख से नेह का सागर छलकत रहे, हमनी के तैयार बानी जा। कमर कस चुकल बानन बहादुर, रउआ सबे भी कस चुकल बानी कमर। न हम पीछे हटब न रउआ सब पीछे हटब, लेकिन अब ये एपिसोड के यही जब विराम देवे का टाइम हो गई बा, ऐसे रउआ सबके चरण में एक बार प्रणाम करतनी। नमस्कार, शुभ रात्रि, सब बात है शास्त्री का। जय हो संगीत गीत के का बचोर।